जिन्होंने 1942 के आंदोलन में आजादी का नारा नहीं लगाया, वे आजादी का नारा लगा रहे हैं। वे भूल गए कि 42 नहीं 2017 है। जिन्होंने 1942 के आंदोलन में अंग्रेजों का पिट्ठू बनकर उनका साथ दिया था, आपको मालूम है या नहीं? अभी मैं दिल्ली के तीन मूर्ति लाइब्रेरी में एक वामपंथी का मौखिक इतिहास पढ़ रहा था, ओरल हिस्ट्री। आपको मालूम है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो भारत के कम्युनिस्ट पार्टी ने 1942 उस समय मैं कह रहा हूँ 39 में युद्ध शुरू हुआ और 40-41 में भारत के कम्युनिस्ट पार्टी ने चीयर गर्ल्स की टीम बनाकर अंग्रेजों की सेना को प्रोत्साहित करने के लिए बॉर्डर पर भेजा था। यही सी चरित्र के लोग आज आजादी आजादी के नारे लगाते हैं। पार्टी का नाम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है। बहुत से नई पीढ़ी के लोग हैं जिनको जानकारी नहीं। इस सभागार में बैठे हुए लोगों को तो मालूम है कि 62 में भारत पर किसने आक्रमण किया, भारत ने चीन पर आक्रमण किया या चीन ने भारत पर आक्रमण किया। लेकिन इस देश में कुछ ऐसे भी लोग थे जो पार्टी के भीतर ही जंग लड़ रहे थे कि भारत ही चीन पर आक्रमण कर रहा है। भारत के कम्युनिस्ट पार्टी में एक ऐसा तबका था जिसमें ज्योति बसु थे, EMS नंबूदरी पाद थे, BT रणा दिवे थे, सीताराम येचुरी, प्रकाश कारक के जितने वैचारिक फोर फादर्स थे सब थे, जो कह रहे थे कि भारत चीन पर आक्रमण कर रहा है। चीन तो आक्रमण कर ही नहीं सकता है, वो तो कम्युनिस्ट देश है। मैं उन पर ज्यादा समय खर्च नहीं करूंगा। इनको संघ से बहुत परेशानी है, इसलिए मैं परम पूज्य गुरु जी को उद्धृत नहीं करूंगा। इनको कांग्रेस से बहुत प्रेम है, इसलिए मैं कांग्रेस को ही उद्धृत करूंगा। लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में गृह मंत्री होते थे, उनका नाम था श्री गुलजारी लाल नंदा। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कोई गृह मंत्री रेडियो पर आकर किसी एक खास विचारधारा के ऊपर राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया, वह विचारधारा थी कम्युनिस्टों की। 1 जनवरी 1965 को रेडियो में आकर राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए गुलजारी लाल नंदा ने उनके बारे में जो पंक्ति कही, वो उस पंक्ति को मैं उद्धृत करता हूँ। दे आर इंडियंस बट दे डोंट हैव लव एंड लॉयल्टी फॉर इंडिया। ये भारतीय है लेकिन भारत के प्रति न इनमें प्रेम है न सरोकार है। और उसी गुलजारी लाल नंदा ने, जो कांग्रेस के थे, लगभग इस देश के 1200 वामपंथियों को जेल में बंद कर दिया।